प्यारा रमज़ान नशरियात प्यारे बच्चों के साथ प्यारा शामिल हाजिर खिदमत है और बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा हादिया हाशमी साहिबा, मोहतरमा आयत आरिफ साहिबा, इंतहाई काबिल एहतराम आयत कुरैशी साहिबा, वाजिबुल एहतराम जनाब अरहम साहब, मोहतरमुल मकाम जनाब महदी साहब, ये सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आमिर अंकल, आज हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे और मैं आपको एक कलाम भी सुनाऊंगी। अच्छा, पहले क्वेश्चन पूछेंगे पहले कलाम सुनेंगे? नहीं, पहले क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, पूछो। हाँ, क्या वहाँ से पूछेंगे? अच्छा, लड़की पहले शुरू कर, लड़कों से शुरू करो, लड़कियों से? लड़कियों से। वो कह रहे लड़कियों से, मैं माइक में बताओ। लड़कियों से शुरू करें। लड़कियों से शुरू करें, लड़कियों से। आमिर अंकल, हजरत अली को हैदर करार क्यों कहा जाता है? हजरत अली को हैदर करार इसलिए कहा जाता है क्योंकि हजरत अली के बहुत सारे नाम हैं। यासुबुल मोमिनीन भी हैं, वो फ़ख्र मौजूदात भी हैं, फ़ख्र कायनात भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं, लेकिन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हैदर करार इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली मरतबा उन्होंने अपना ये नाम खैबर के मौके पर मरहब के सामने लिया था। जब मरहब ने कहा था कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, तो आपने शायद फरमाया था मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर कहते हैं झपट पड़ने वाले को, जिसको कहते हैं पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, तो झपट पड़े जो, और उस वक्त तक दुश्मन को ना छोड़े क्योंकि करार है, उस वक्त तक दुश्मन को ना छोड़े जब तक कि दुश्मन को। करार का मतलब क्या होता है? करार का मतलब तेज तर्रार, फौरन, मतलब बिजली की तरह जो लपके, जैसे बिजली चलती है ना, आप बिजली देख नहीं सकती, आप सिर्फ बल्ब को देख सकती है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो इतनी तेज़ी के साथ आ रही है, बिजली का जो सफ़र है उस सफ़र को आप नहीं महसूस कर सकते। तो मौला अली जो है उनकी तलवार का सफ़र भी ऐसी होता था, वो खुद का सफ़र भी ऐसी था, तो पलट जाते, पलट कर एकदम चबोचा उठा कर फेंक दिया, खैबर का दर्रा खड़ा फेंक दिया। ये थे मौला अली, क्योंकि उनके लिए आसमान से तलवार उतरी थी जिसका नाम था जुल्फ़िकार। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। तो ये जुल्फ़िकार जो थी, और आपको पता है सारी तलवारें आपने दुनिया में देखी होंगी, अर्तुगरल ड्रामा भी देखा होगा आपने, अर्तुगरल के पास भी जो तलवार है वो एक धारी तलवार है, हज़रत अली की जो जुल्फ़िकार थी वो दो धारी थी, दो मुंह थे उसके। क्यों थे पता है? क्यों पता है? ताकि वो दो मुंह वालों को मारे हैं, जिनके डुअल फेस हैं, जो मुनाफिक हैं, हिपोक्रेट्स हैं। हिपोक्रेट्स के दो चेहरे होते हैं ना, ऊपर कुछ अंदर कुछ, तो हज़रत अली के पास भी दो मुंह थे, पहला मुंह भी मारो दूसरा मुंह भी मारो। तो ये मौला अली के पास तलवार थी। हाँ जी, आए तारीफ साहिबा। हज़रत अली का रोज़ा मुबारक कहाँ है? हज़रत अली का रोज़ा मुबारक नजफ अशरफ में है, और ये इस तरह से है कि मौलाए कायनात ने अपने शहादत के बाद ये वसीयत की थी अपने बड़े बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कि बेटा मेरे जस्ते पाक को तुम एक ऊँटनी पर रखकर छोड़ देना, ये वहाँ तक ले जाएगी, पता उनको बताया था। और क्योंकि उस वक्त शोरिशें ऐसी थीं, ये भी मौला अली ने हमारे लिए हेल्प की, हम सब के लिए हेल्प की, वो हेल्प ये की कि अगर उनके जिस्म मुबारक के साथ बदतमीज़ी की जाती तो अल्लाह कायनात को कभी माफ़ नहीं करता। तो उन्होंने आपको हम सबको बचाने के लिए कि कोई ऐसे दुश्मन, दुश्मन तो थे ना जो खून के प्यासे, देखो बच्चों के साथ क्या किया बाद में, अक्सर काट दिए, मतलब ये कि एक इमाम हसन के साहबजादे थे कासिम, उनको घोड़ों की टापों से रोन दिया, उनके उनके बस क्या बताएं। और ये भी कि उनके चचादाद भाई थे मुस्लिम बिन अकील, उनको ऊपर से फेंक दिया नीचे, तो ये मकसद कि बहुत जुल्म किया। तो इसलिए आपने कहा कि मेरे जस्ते मुबारक को आप ऊँटनी पर डाल के छोड़ दीजिएगा, ये जहाँ जाए मैं आपको ख्वाब में आकर बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा, ताकि लोगों को पता न चले मैं कहाँ दफन हूँ, वरना ये लोग मेरी लाश निकाल लेंगे, माशाल्लाह जस्ते अथर निकालेंगे, उसकी बेहरमती करेंगे, और अगर वो बेहरमती हो गई तो फिर उम्मत का बख्शा जाना बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि हज़रत फातिमा के शौहर हैं, रसूलुल्लाह के चचाजात भाई हैं, तो दिल के बहुत करीब हैं, तो इसलिए उनको तो अब नजफ़ अशरफ में आए तारीफ। नजफ़ अशरफ कहाँ? नजफ़ अशरफ बोलो, अशरफ अशरफ, वहाँ पर आप आराम फरमाएं, और लाखों ज़ायरीन जाते हैं और वहाँ पर नजफ़ जाकर आपकी ज़ियारत करके आते हैं। ठीक है जी, आए थे। हज़रत इमाम अली को किसने शहीद किया था और क्यों? हाँ, हज़रत इमाम अली को शहीद किया था अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम मुरादी लईन ने,
उसका पूरा नाम था अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, तुम कहा करो इब्ने मुलजिम लईन, क्या इब्ने मुलजिम लईन, हाँ। उसने, उस पर अल्लाह की लानत हो, उसने आपको शहीद किया था। लेकिन एक एक, एक, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, एक साजिश तैयार हुई थी। ये साजिश 40 दिन पहले तैयार हुई थी। अब 20 शाबान को अब्दुलरहमान इब्ने मुलजिम निकला था और उसके साथ जो एक और मददगार था शबस बिन बुहैरा, और उसकी मदद की थी कूफे की मस्जिद में अशस बिन कैस कुंदी ने, और इन लोगों ने मदद करके, इनके प्लान ये था, क्यों जो आपने पूछा क्यों, इसे कि हज़रत अली करमल्लाह वजल करीम जब तक इनके दरमियान थे मुनाफिक अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो सकते थे। जब तक उनके दरमियान थे इस्लाम का बोल जो गिराना चाहते थे वो बाला ही था। तो उन्होंने कहा इस्लाम को हमें ख़त्म करना है, और इस्लाम को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम हज़रत अली को शहीद कर दें। तो उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन बाकी बाकी बच्चे बचा गए, बच्चे मौजूद थे हसन हुसैन, वो इस्लाम बचा गए। जी अरहम साहब, हज़रत अली की कोई कौल बताएं। हज़रत अली के बहुत सारे कौल हैं, हज़रत अली के बहुत सारे कौल हैं। एक कौल मैं आपको बताता हूँ, आजकल के लोगों के लिए भी बड़ा अहम है, कि हज़रत अली फरमाते हैं कि ताकत, हमेशा से बोली ताकत, बोलिए माइक लें, ताकत, दौलत, दौलत, इख्तियार, इख्तियार, और इख्तदार, और इख्तियार, और इख्तदार, इख्तदार, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोलते, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोले, गवर्नमेंट, ये इंसान को बदलती नहीं, ये इंसान को बदलती नहीं, बेनकाब कर देती है, बेकबाब करती है, बेकबाब ही कर देती है, सही बात है, बेकबाब ही कर देती है। अजी माजी साहब, और अकड़ तो मुर्दों में होती है। हजरत अली कब और कहाँ पैदा हुए? हजरत अली कहाँ पैदा हुए? हजरत अली काबतुल्ला में पैदा हुए। हजरत अली जब पैदा हुए तो खाने काबा की एक दीवार है वो शक हो गई, उसमें दरवाज़ा बना, और हज़रत फातिमा बिनत असद उस पर गईं, फिर वहाँ पर हज़रत अली पैदा हुए। और हज़रत अली ने 7 डेज तक, कितने 7 डेज तक अपनी आंखें नहीं खोली थी, फिर रसूलुल्लाह के तशरीफ लिए गए हुए थे। जब वापस आए उनको पता चला कि रसूलुल्लाह आ गए, बच्चे को पता चल गया, तब आंखें खोल के सबसे पहले रसूल को देखा। कायनात में अली ने जब आंखें खोली हैं तो सबसे पहले अपने नबी का चेहरा देखा है। और खाने काबा में विलादत हुई, जहाँ विलादत हुई है उसी जगह पर अल्लाह ताला ने दोबारा उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अंदर दाखिल कराया, और उस जगह के सारे बुत जो हैं हज़रत अली ने तोड़े, क्योंकि वो गवाह थे ना उस जगह पर जहाँ बुत थे, तो उन्हें तोड़ दिए। हाँ भाई, अब आप हमें कलाम सुने। फातिमा सीमा है,
सीमा है कोई फातिमा के बाद को जैसी पड़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में जैसी बैठे हैं आप लोग समझ में नहीं। वो ये कह रही है कि अब्बास तेरे नाम को मैं अपने इश्क इश्क का है ना अपने इश्क से अपने खून से और क्या अब्बास तेरे नाम को मैं अपने खून से पहले वफा के लिखूं या वफा के बाद, मतलब वफा है अब्बास या अब्बास के बाद वफा है, मतलब इसमें ये कि वफा मत लिखी है अब्बास खाली लिख दीजिए वफा हो जाएगा। वाह 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 दरबार ज़ैना ने सुन यज़ीद वाह वाह दरबार शाम में कहा डरते नहीं किसी से डरते नहीं किसी से हम तो खुदा डरते बस बेटा एक शेर और पढ़ दो फिर अजान लाहौर की तरफ जा रहे हैं। हम तो खुदा के बाद
शब्बीर कहते भाई बुलाते रहे जिसे अली मुर्तज़ा के बाद कौन हो तुम? हादिया। कुछ और? बहुत दिल से पढ़ती है। मैं तो कहता हूँ कि शेर खुदा ही है, शेर खुदा के बाद। शेर खुदा गए ही नहीं है, शेर खुदा ही है। शेर खुदा के बाद एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और फिर ज़रा ज़िक्र मौला अली की महफिल सजाते हैं। एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आया अरश से नूर है और रोशन जहान है।